नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। अंबाला प्रशासन को इन दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जमाखोरी बर्दाश्त नहीं है। दरअसल आज अंबाला के उपायुक्त कंटेनमेंट जोन्स का दौरा करने निकले थे कि रास्ते में उनकी नजर एक डेयरी में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उपायुक्त ने मौके पर SHO को बुलाया और लगभग 33 ऑक्सीजन सिलेंडर मौके से बरामद कर उन्हें सीज करने के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, उपायुक्त ने SHO को कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के भी निर्देश दिए और इसके साथ साथ उपायुक्त ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी। उपायुक्त ने बताया कि इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जरूरत के लिए किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किस तरह से उपायुक्त ने ये छापेमारी की है, किस तरह से ये सिलेंडर सील किए गए हैं, उपायुक्त से ही आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमने मैक्रो कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं बो और बबियाल। आज मैं सभी ऑफिसर्स के साथ चेक करने गया था वहां पे कि वहां पे मूवमेंट की क्या पोजीशन है, बैरिकेडिंग प्रॉपर है कि नहीं, सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब रास्ते में हमें देखा तो एक कोई डेयरी थी, उसके अंदर सिलेंडर्स रखे हुए थे, तो मैंने वहां पे तुरंत चेक करवाया। 33 सिलेंडर वहां मिले हैं ऑक्सीजन के, और कोई भी सिलेंडर्स मेडिकल यूज के अलावा यूज नहीं कर सकते, ऐसा पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इसलिए उन सिलेंडर्स को हमने सीज करके और SHO महेश नगर को दे दिया है कि आगे कार्रवाई करे और इस केस के अंदर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे और भी जगह चेक करे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की सख्त आवश्यकता है ताकि हम हॉस्पिटल्स के अंदर उनको सप्लाई कर सकें और हमारी सप्लाई चेन और सुदृढ़ हो सके, इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। और जो कंटेनमेंट जोन हमने चेक किया, वहां सभी जगह सैनिटाइजेशन चल रही थी। हालांकि कुछ मूवमेंट है, सबको समझाया भी गया है और बताया गया है कि जिस दिन आपका पॉजिटिविटी का चक्र खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम इसको डीनोटिफाई कर देंगे, वरना कंटेनमेंट जोन जब तक रहेगा जब तक यहां पे पॉजिटिव केसेस आते रहेंगे। तो जैसे ही अपने पर, मेरी सभी से अपील है कि अपने पर संयम रखें, मूवमेंट ना करें, और यह चक्र 3 दिन में ही टूट जाएगा और जिस दिन हमारी एक्टिव केसेस कम हो जाएंगे हम डी नोटिफाई करेंगे। इसलिए हम वहां चेक करने के लिए आज स्टाफ के साथ वहां पे ऑफिसर्स के साथ गए थे। वहीं जमाखोरी और कालाबाजारी के लेकर हरियाणा सरकार पहले ही सख्त है। आज भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीधे शब्दों में कहा कि किसी को भी जमाखोरी या फिर कालाबाजारी नहीं करने दी जाएगी। साथ साथ जानकारी देते हुए अनिल विज ने यह भी बताया कि ऐसे ही मामलों में लगभग 45 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। हम जहां जहां पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिंस में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज़ में करेगा, तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर अंबाला प्रशासन बेहद सख्त है। ऐसे में हमारी भी आप लोगों से यही अपील है कि अगर आप लोगों के पास एक भी ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो उसे जल्द से जल्द प्रशासन को सौंप दें ताकि ये सिलेंडर किसी की जिंदगी बचाने के काम आ सकें। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मुहिम, CPAP और BiPAP मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम, समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348668 पर संपर्क करें।